नवाज शरीफ बिलाखिर बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते थे कि वो NRO नहीं देंगे। देखते हैं वज़ीर आज़म क्या कहते थे। मैं आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन ले कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। इनका सब एक मकसद है, तीन लव सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO। जमहूरी कुवतों के दरमियान बातचीत के जरिए कुछ लो और कुछ दो किस्म की मफाहमत वो NRO नहीं होती जो किसी डिक्टेटर और सियासी लीडर के दरमियान तय पाती है। कभी ताकतवर को पाकिस्तान के कानून ने तसाब नहीं किया, जो मर्जी करना करें आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। खान साहब को अगर अपनी सियासी हिमायत पर एतमाद है तो फिर अपोजिशन से बातचीत और उनके मामलात में लचक दिखाना ना तो NRO है और ना ही कोई रिलीफ। I repeat that there's been no agreement with Chairman Shah. No agreement, but no negotiation. Well, our people meet all the time in the Parliament. I think that their people and our people, we have worked together on the Women's Bill, so there might be contacts. Yes, but contacts is different than having an agreement. ये सियासी तौर पर मुल्क को चलाने का मारूफ रास्ता है। धरने और आज़ादी मार्च में अपोजिशन की तमाम जमातें शरीक हैं और उनके जेल से बाहर लीडर गर्मा गर्म तकरीरें करके एक वाज़े कमिटमेंट भी अवाम के जम्मे गफीर के सामने कर रहे हैं। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की लीडरशिप इस वक्त जेल में या आर्जी रिहाई पर बाहर है। नवाज शरीफ मौत और जिंदगी की कशमकश से दो चार हैं। दूसरी जानब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी कैद में हैं और सख्त बीमार भी। इमरान खान जो यूटर लेने को एक बड़े लीडर की सबसे बुनियादी और अपनी फखरिया सियासी निशानी बता चुके हैं, शायद वक्त आ गया है कि वो एक और यूटर्न ले रहे हैं और सियासी मफाहमत को कोई और नाम देने की बजाय कौमी मफाहमत कहते हुए अपोजिशन की असल लीडरशिप से मामला तय कर रहे हैं। उसके लिए कानूनी रास्ता निकालना हुकूमत के लिए कुछ मुश्किल नहीं। क्या उन्हें अंदाजा नहीं कि अगर PTI की हुकूमत फिसलती है तो कौन पंजाब में और वफाक में उसकी जगह ले सकता है? फिर ये लीडरशिप हुकूमत और गवर्नेंस का तवील तजर्बा रखती है। ये बदतरीन मुश्किलात सहने के बावजूद इसने अब तक किसी ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं की जिससे अफरा तफरी फैले और पहले से कमजोर मईशत को तबाही की नहायत पर पहुंचा दे। साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ECL से हटाने का फैसला कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के जराए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ कल यानी एतवार को लंदन रवाना हो जाएंगे। शहबाज शरीफ भी साथ जाएंगे। ECL से नाम हटाने का फैसला नैब की सिफारिश पर किया जाएगा, जिसके लिए नैब से मुशावरत भी की जा रही है। क्या नवाज शरीफ की रवानगी किसी डील का नतीजा है? वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को मौलाना फजलुर्रहमान की दुआ लगी है। क्या नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी को भी कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है? जबकि दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज कहती हैं कि डील की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए और मेरे लिए इस वक्त वालिद की सेहत ही अवलीन तरजीह है, सियासत के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या बाकौल शेख रशीद अहमद वाकई मौलाना के धरने के नतायज सामने आने लगे? अपोजिशन के वो लीडरान जो मुबैना तौर पर करप्शन के संगीन इल्जामात में मुलव्वस होने पर जेल में कैद थे, किसी अनजाने NRO मिलने पर रिहा किए जा रहे हैं?